ये याद रखना, मैथ में एक्स की वैल्यू नहीं पता लेकिन हमें रीजनिंग में पता है, दो दिल के टुकड़े करे चार तो एक्स की वैल्यू होगी 24 मेरे यार। यू 21 है मिलते हैं, यू मिलते 21 है की। आप कहते हो बाहर आ, बाहर आ अपने घर के तू बाहर। अब बात कर रहा हूँ किसकी, लेटर की प्लेस वैल्यू की। तो आपके सामने एक वर्ड होता है इजोटी, क्या आप लोगों ने सुना है या पहली बार सुन रहे हो? केवल 5 मिनट लूंगा, पहले आपको इंट्रोडक्शन बता देता हूँ कोडिंग डिकोडिंग का। इस 5 मिनट के बाद आप जो है अगली 4 से 5 क्लास जो भी आनी है कोडिंग डिकोडिंग की, धड़ल्ले से फैट फैट के मारोगे जितने भी हैं। अगर मैं बात करूं, एक वर्ड होता है इजोटी, और इजोटी की अगर मैं प्लेस वैल्यू की बात करूं, ई 5 पर आता है, 10 पर, 15 पर, 20 पर और 25 पर। कैसे सर, समझ नहीं आया? जिस तरह से ए मेरे पास नंबर 1 पे आता है, बी की प्लेस वैल्यू नंबर 2 है, सी तीसरे पर आता है, डी मेरे पास चौथे पर आता है और मेरे पास ई आता है 5वें पर। इसी तरह से मेरे पास ये सारे लेटर दिए हुए हैं इनकी प्लेस वैल्यू के साथ। अगर मैं आपसे पूछ लेता ये बताओ सारे के सारे, मेरे पास के फॉर कालू होता है, कालू की प्लेस वैल्यू क्या आएगी? के की। अगर मैं आपसे पूछता क्यू की प्लेस वैल्यू क्या आएगी बताओ? के। मेरे पास कौन से नंबर पे आता है बताना फटाफट से कमेंट करके स्पीड में। 11 17 11 17। सर के होता है 11 पर, कैसे पता लगा? भाई जे की प्लेस वैल्यू होती है 10 और जे के बाद क्या आता है मेरे पास? आता है के। तो के की क्या हो गई? 11। भाई जे की मेरे पास 10 दी हुई है, जे के बाद क्या आता है? के, और के की हो गई 11। अगर मुझे इनका याद है भाई, अगर मुझे इजोटी याद है 5 10 15 20 25, तो इसकी मदद से मैं यहां पर कोई भी बालू क्वेश्चन होगा उसका आंसर निकाल दूंगा। क्यू की बात करते हैं, क्यू मेरे पास कहां पर आता है सर जी? ओ के बाद क्या आता है? पी। पी के बाद क्या आता है? क्यू। ओ की प्लेस वैल्यू यहां पर दे रखी है 15, ओ की 15, पी की 16 आ जाएगी, क्यू की 17। तो मेरे पास यहां पर राइट आंसर क्या आ जाता? 17 इसका राइट आंसर हो जाता। एक तरीका तो ये हो गया। अब मैं इसे याद कैसे करता हूं? अगर मैं एज ए स्टूडेंट होता तो मैं इसे याद कैसे करता हूं, इसे समझे। सबसे पहले देखेंगे मेरे पास, सबसे पहले ए का तो सबको पता होगा, ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है, बी की 2, सी की 3 और डी की 4, ठीक है। अब हमारे पास हम स्टार्ट कहां से कर रहे हैं? ई की हो गई 5। यहां तक तो सबको याद रहता है, ये तो भाई सभी को याद है, इनको तो कोई ना छेड़े। अब मेरे पास जो याद करने वाली चीज है एफ। एफ क्या होता है? फिक्स, फिक्स 6। जी, जी को अगर आप देखोगे जी के अंदर क्या होता है? 7 को 7 मारूंगा 1 7 मारूंगा 7 को 7 मारूंगा। जी का मतलब क्या है? घातक मूवी। 7 को 7 मारूंगा, 7 दिख रहा है जी के अंदर भाई, जी के अंदर आपको 7 दिख रहा है क्या? बिल्कुल। 7 को 7 मारूंगा 1 7 मारूंगा। एच की अगर मैं बात करूं तो एच को अगर आप ऊपर से टोपी पहना दो, नीचे से जूते पहना दो, तो क्या बनेगा? 8। ऊपर से टोपी पहना है, नीचे से जूते पहना है, तो मेरे पास फिक्स का 6 हो गया। 7 को 7 मारूंगा, घन से घातक मूवी। जी से क्या हो गया? 7। एच का हो गया 8। अब मेरे पास एक चीज बताओ, आई का क्या होगा? अरे तेरे को पता है विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की शादी होगी। आई नो, मुझे पता है। अरे तुझे पता है कल की टीम जो है कौन सी जीती है? कल उसने यार कितने छक्के मारे हैं, कल भैया धोनी ने इतना बढ़िया खेला। आई नो, मुझे सब पता है। अरे तुझे पता है शाहरुख खान की नई मूवी आ रही है? आई नो। अरे यार तेरा भाई मेरी जान मूवी आ रही है? आई नो। तो आई का क्या होता है? आई का होता है नो। आई नो, अपने बाप मतलब अपने भाई को मत सिखा। आई नो, ठीक है। ओ मिस्टेक, मुंह से निकल, ठीक है। जे का देखते हैं, आपने देखा होगा जे का देखते हैं, ठीक है। जे का क्या होता है? अगर आप देखोगे कि यार मेरे पास ना एक नाटक आता था, ऐसे करके घड़ी पहनता था, घड़ी में पट मारता था, बैन 10। अगर मेरे पास बैन 10 आएगा तो हम कहेंगे जैन 10। क्या होगा भाई? मेरे पास यहां पर अगर मैं बात करता हूं जैन 10, हमारे पास एक नाटक आता था बैन 10, तो हमने कहा जैन 10, तो मेरे पास क्या आ गया? जैन 10। इसके बाद के को देखेंगे, के को बड़ा प्यारा था, के बाद जो एल आता है ना वो बड़ा ही प्यारा लवली सा है। एक बात बता, जब आपको प्यार होता है तो क्या कहते हैं? मैं तेरे घर के बाहर खड़ा हूं, बहारा बहारा अपने घर से तू बहारा। तो मेरे पास अगर मैं एल की बात करूं तो एल पर क्या कहते हैं? एल पे कहते हैं भैया बहारा बाहर आ। जब आपको क्या होता है लव, आप कहते हो बाहर आ अपने घर के तू बाहर आ। तो एल को अगर आपको याद रखना है तो 12। के का क्या होता है सर? किल बिल, या फिर आप कह सकते हो किल बिल। अगर मैं बात करूं किल बिल होती है एक मूवी, देखिए किल के अंदर क्या आता है? 11। तो किल बिल। एम का क्या आएगा? एम का अगर मैं बात करूं एम की और डब्ल्यू की, तो मेरे पास एम एक तरह से 3 की तरह दिख रहा है और डब्ल्यू भी मेरा 3 की तरह दिखता है। लेकिन अगर मैं बात करूं एम और डब्ल्यू के अंदर, एम पहले आता है, डब्ल्यू आता है बाद में, तो एम की प्लेस वैल्यू 13 हो गई, डब्ल्यू की 23। एम की 13 हो गई और डब्ल्यू की 23। सारे के सारे लेटर याद करने सिखा दूंगा आज आपको। याद रखना है एम की 13 होती है, डब्ल्यू की 23 होती है, एम के बाद आते हैं एन, और एन आपको दिखेगा कहीं ना कहीं, अगर आप इसकी मिरर इमेज बनाओगे तो मेरे पास एन कहीं ना कहीं ऐसा दिखता है। क्या बन गया ये? सर मेरे पास कहीं ना कहीं ऐसा 4 की तरह बन गया, तो ये क्या हो गया? 14। एन का 14। एन के बाद ओ पेंदर, ओ पेंदर, ओ पेंदर, ओ पेंदर, यहां पर लिख भी लो ओ
पेंदर, ओ पेंदर, पी पे होता है 16। अगर आप पी को देखोगे, पी को, पी के अंदर कहीं ना कहीं 6 दिख रहा है भाई, पी को अगर आप उल्टा करोगे तो 6 दिख रहा है 16। क्यू होता है क्यून, अगर क्यू फॉर क्यून होता है, क्यून के सर पे क्या होता है ताज, क्यून के सर पे क्या होता है ताज, क्यून के सर पे क्या होता है सर, क्यून के सर पे होता है ताज, तो क्यून के सर पे होता है ताज, सर ताज, सर ताज, सर ताज, क्या होता है क्यून के सर पे ताज। क्यू के बाद आता है आर, आर जेड क्या होता है, आर जेड 18 मेरे घर का एड्रेस है, आर जेड 18। एस मेरे पास 19 होता है। टी क्या होता है सर, T20 मैच होते हैं, T20 मैच होते हैं। इसके बाद यू, भाई अगर आप हरियाणा में जाओगे ना, हरियाणा में पता क्या कहते हैं भाई साहब, ये ना तेरे से बत्ती है, तेरे से फालतू है। अच्छा यू 21 है मेरे से, यू मेरे से 21 है के, यू मेरे से फालतू है, यू मेरे से 21 है, यू मेरे से 21 है, यू मतलब ये, यू मेरे से 21 है के, यू मेरे से 21 है, यू मेरे से 21 है अगर आप हरियाणा में जाओगे। अरे तेरे से बत्ती है, फालतू है, एक में गिरा देगा तेरे को, धरती चटा देगा। अच्छा यू मेरे से 21 हो गया, आज बता दिए बीच में से पार देंगे सिस्टम ने, यू 21 हो गया मेरे से, तो मेरे पास यू क्या हो गया 21, यू मेरे तो 21 है के। वी पंजाब की तरफ चले जाओ, विजेंदर भाई, मनिंदर भाई, विजेंदर भाई, तो मेरे पास क्या आता है विजेंदर भाई, पंजाब की तरफ अगर हम जाते हैं तो विजेंदर भाई होता है, क्या होता है विजेंदर भाई, विजेंदर भाई, विजेंदर भाई, विजेंदर भाई, कब जब हम पंजाब की तरफ निकल जाते हैं विजेंदर भाई होता है। डब्ल्यू का 23 हो गया, बताई दिया, डब्ल्यू के बाद होता है एक्स। अब ये एक्स का बड़ा इंपॉर्टेंट सा रोल है आपके जीवन में, एक चीज बताना भाई ईमानदारी से, बताना हाँ या ना भाई, सभी का ब्रेकअप हो रखा है एक बार जीवन में, एक बार तो हुआ होगा, नहीं हुआ है तो भैया हो जाएगा। तो आपके जीवन में ना जब आपका ब्रेकअप आएगा तो आपके जीवन में ना एक वर्ड जुड़ जाएगा एक्स, शायद हो सकता है अभी ना जुड़ा हो, जब आपका ब्रेकअप हो जाएगा ना तो आपके जीवन में एक वर्ड जुड़ेगा एक्स। अब एक्स की वैल्यू क्या होती है, मैथ के अंदर एक्स की वैल्यू अभी फाइंड करनी होती है यार, एक्स की वैल्यू क्या है ये बताओ कि सर एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू नहीं पता, लेकिन रीजनिंग के अंदर हमें एक्स की वैल्यू पता होती है, क्योंकि रीजनिंग में हम दिमाग का यूज करते हैं, लॉजिकल रीजनिंग, मैथ थोड़ी है ये, मैथ में तो एक्स की वैल्यू फाइंड करनी होती है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, जो किसी को नहीं मिली, लेकिन रीजनिंग वालों ने एक्स की वैल्यू भी ढूंढ ली। कोई पूछे ना फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, कह देना 24। हम रीजनिंग वाले हमने एक्स की वैल्यू भी ढूंढ ली। एक्स की वैल्यू क्या होती है, अगर मैं देखूं हम दोनों ने मोहब्बत करी, हमारा दिल क्या था भैया, दो दिल थे, एक मेरा दिल था और एक मेरी एक्स का दिल था, हमारे दो दिल थे, कितने दिल थे हमारे, दो दिल थे। उसने दिल को तोड़ा तो कितने हो गए, चार। जब उसने दिल को तोड़ा कितने टुकड़े हो गए, दो इसके दिल के हो गए, दो इसके दिल के, टोटल कितना हो गया, चार। तो मेरे पास एक्स की वैल्यू है कि हम दो थे और टुकड़े हुए चार, तो एक्स की वैल्यू होती है 24, कि उसका काम ही क्या होता है, दो दिलों को तोड़ना, दो टुकड़े कर दिए, दो दिल थे और उन्हें तोड़कर चार कर दिया, तो हमारे पास यहां पर क्या हो गया, एक्स की वैल्यू होती है 24। ये याद रखना, मैथ में एक्स की वैल्यू नहीं पता लेकिन हमें रीजनिंग में पता है, दो दिल के टुकड़े करे चार तो एक्स की वैल्यू होगी 24 मेरे यार, प्रॉपर प्रैक्टिकली लॉजिक के साथ बता रहा हूं, लॉजिकल रीजनिंग। वाई और जेड का तो फिर आपको याद रखना ही है, एक्स की 24 होगी, वाई का तो फिर क्या ही बनाना, वाई मेरे पास 25 और जेड मेरे पास 26। अब ये याद रख लो सारे के सारे, पांच तक याद है फिक्स, सातों को सात मारूंगा, एक साथ मारूंगा, टोपी पहने, जूते पहने 8। आई नो वेरी वेल कि मेरे भाई एक्स ने तेरा दिल तोड़ा है, आई नो वेरी वेल। जैन 10 होती है। किल बिल मूवी देखिए, 11वें नंबर पे लव पे कहते हैं बाहर आ बाहर आ, बाहर आ बाहर आ, दिल कहता है बाहर आ। एम का 13, एम क्या आ गया, अगर मैं शीशा लगा दू 14 हो जाएगा। ओपेंदर, पी के अंदर आपको उल्टा अगर इसे कर देंगे तो 16 हो जाएगा। क्यून के सर पे ताज सरताज, आर जेड 18, एस 19, टी 20 मैच, यू 21 है मेरे से, विजेंदर 22, डब्ल्यू 23, एक्स की वैल्यू 24।